मेरे ख्याल में तो औरतों की जुबान जुबान सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो बोल बोल के हम उनका दिमाग खा जाते हैं। मेरे सारे दोस्त हमारे हैं, नहीं सिर्फ मैंने ही बोली, मैंने जल्दी में लव मैरिज कर लिया, इसलिए मोस्टली ये जो बार बार पूछना किधर है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ है, क्यों है, बस रीजन सफाई बहुत ज्यादा सफाई करती है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तू औरतों के सामने हमें बता सके तो बहुत बड़ी, वो आपका शो देख लेंगे, आप बताएं कौन सी चीजें सामने पैसे खाए के और ना को खाए उन्होंने घर की लड़ाइयां होंगी। बंदे को एक बार भेजना है सारी चीजें लिख के नहीं देनी, बंदे को वैसे बोलना है धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, दही ले आओ, उन्हें कोई शहर लिख के खुआ दो, कोई है और तोहफा लेके जाओ, घूम फिर मान जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपके अपनी और शहर अमीना जी। आज मैं करूंगी यहाँ पे मुझे लोगों से गपशप और पूछूंगी कि खवातीन के ऐसी कौन सी आते हैं जो घर में बहुत इरिटेटिंग होती हैं, और मर्दों के कौन सी ऐसे आते हैं जो घर में काफी इरिटेट करते हैं। चलते लोगों की तरफ जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाजी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि खवातीन की ऐसी कौन सी चीज़ें घर में होती हैं जो मर्दों को काफ़ी इरिटेट करती हैं, और मर्दों की कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खवातीन को इरिटेट करती हैं। तो हमारे साथ जैसे कि जानी मानी इरम चौधरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि खवातीन के घर में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे मर्द बड़ा इरिटेट होते हैं? मेरे ख्याल में तो औरतों की जबान सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो बोल बोल के हम उनका दिमाग खा जाते हैं। और जो हम ये तो आपने बता दी औरतों की, मर्दों की कौन सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिसको देख के औरतों कहती हैं चींटियाँ चढ़ी, क्या है ये इतनी इरिटेटिंग? मतलब मेरे ख्याल में उनका टीवी देखना, स्पेशली मैच देखना, जब मैच में वो बोलते हैं। मैच तो खवातीन बड़े शौक से पीएसएल देखती है घरों में। देखती है, लेकिन वो जो लड़कों का जुनून होता है ना और जज्बा होता है, मतलब घर का अगर कोई और काम अधूरा पड़ा हुआ है तो उसे आवाज़ दी है कि ये कर दो, तो मैच छोड़ के नहीं जाने वाले वो, तो ये बहुत इरिटेट। अच्छा ये भी चीज़ देखी होगी, मर्दों ने कोई चीज़ निकालनी होती है, कपड़े सारे खराब करके अंदर से एक शर्ट निकालते हैं, खवातीन को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, हम जोड़ के देखिए और सारी खराब करते हैं। ये बात भी है कि जब उन्हें एक चीज़ चाहिए होती है तो पूरी अलमारी नीचे होती है, तब उन्हें एक चीज़ मिलती होती है, एक चीज़। अच्छा ये तो होगी खवातीन के मर्दों की, अब हम आपकी बात करते हैं। आपके समडे प्रोग्राम में जो स्माइल होती है कईयों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, काफ़ी बड़ा खुश होते हैं यार क्या स्माइल है, कुछ कहते हैं यार क्या, हर दफ़े ऐसी हंसी। अब वो नेचुरल चीज़ है, मुझे हमेशा ऐसी हंसी आती है, तो मैं हंसी को तो नहीं बदल सकती, लेकिन ये है कि हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये बताएं जो लोग नहीं मुस्कुराते सड़ियल ही रहते हैं, उन्हें मेरे प्रोग्राम में भेजें, इंशाल्लाह वो भी हंसते हुए नजर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन का ये कहना था खवातीन की जो चीज़ें इरिटेट करती है उनकी जबान, और मर्दों की जो है वो मैच है, जो लोग मैच देखने में मसरूफ होते हैं और जो बीवी होती है वो काम कहती है, वो कहते नहीं हमने मैच देखना है, ये चीज़ इरिटेटिंग होती है। हम जी लोग की जब चलते और जानते उनकी क्या इस बारे में। तो जी नाज़रीन हमारे एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं घर में खवातीन की कौन सी ऐसी आदत है जिससे मर्द जो है बड़ा इरिटेट होते हैं? मेरे घरों में तो माशाल्लाह जिम्मेदार औरतें हैं, मतलब वो नहीं है कि बस घर में नहीं होती, नहीं खा लिया पी लिया मेकअप कर लिया या फैशन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं तो बहुत इंप्रेस हूं। कोई सी ऐसी आदतें जिससे आप थोड़ा गुस्सा आता हो कि यार क्या है छोड़ दे इसको? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे जो आपकी वाइफ है या बहन है या मदर है इनको बड़ा गुस्सा आता है? मुझ में भी ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली सारी पॉजिटिव है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपने कोई दोस्तों में सुनने को आपको कुछ मिला हो कि दोस्त आपको बताते हैं यार मेरी बीवी इस तरह करती है या मैं लेट जाता हूँ मेरी बीवी मुझे बोलती है? मेरे सारे दोस्त कवा रहे हैं, मैं ही सिर्फ मैरिड हूँ, वो भी मैंने जल्दी में लव मैरिज कर लिया इसलिए। अच्छा लव मैरिज किया इसलिए ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नौबत ही नहीं है ना मुझ में उसने मतलब कोई ऐप ढूंढा है ना, शुक्र अल्लाह लव मैरिड है। अच्छा ये बताएं कि दोस्त सारे आपके कवा रहे हैं, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? उनकी शादी हो रही है इंशाल्लाह, ये छोटी ईद के बाद इकट्ठोगी कर रहे हैं सबकी इंशाल्लाह ताला, सारे इकट्ठे कर रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला, एक ही फैमिली से दोस्त भी मतलब। जाहिर है जैसे कि आपकी शादी हुई है, आपका एक्सपीरियंस है, इसी बिना पे कोई प्यारा सा मैसेज अपने वो दोस्तों की जिनके भी शादी नहीं हुई और शादी होने वाली है? बस उनको मैं मैसेज तो नहीं दे सकता, दिल आजारी होती है, बस उनको यही कहूँगा कि यार इंशाल्लाह टेंशन ना लो, बहुत जल्द आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, बस यही कहूँगा मैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि इनकी लव मैरिज हुई हुई है, तो वाइफ की जो है कोई ऐसी आदत नहीं है जो मेरी इरिटेट करती है, और ना ही मेरी कोई ऐसी आदत है जिससे मेरी वाइफ इरिटेट हो। अलबत्त इन्होंने अपने उन दोस्तों को एक पैगाम जरूर दिया है जिनकी शादी अभी तक नहीं, मुझे लोगों की तरफ चलती। तो जी नाज़रीन हमारे एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक।
सर ये बताएं मर्दों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे खवातीन घर में बड़ी तंग होती हैं? नहीं मुझे तो पता नहीं है इस बात का। सोचें जी, सोचें आपकी वाइफ किस बात से आपसे ज्यादा तंग होती है? मतलब कौन सी ऐसी आदत होती है? अगर ज्यादा लड़ाई झगड़ा उससे आपकी जो वाइफ उनको गुस्सा आता है। हां आदत ही होती है। तो आप लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना मैं, मर्दों की बात है, हर किसी का अपना ज़हन है। अच्छा मर्दों की, यानी कि जो मर्द लड़ते झगड़ते उन पे ज़रा गुस्सा आता खवातीन और कौन सी आदत? और पता नहीं है। अच्छा औरतों की ऐसी कौन सी आदत होती है जिस पे मर्दों को बड़ा ही गुस्सा आता है? ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना। खवातीन मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती है? हाँ। कहते हैं मर्द घर जाके ज्यादा फोन यूज करता है। बिजनेस में करती है, अपने बिजनेस के तौर पे करती है वो। नहीं न्यूज़ सुन ली, PSL देख लिया। औरतें मर्द मर्द जो है मोबाइल यूज करते हैं? हाँ जी करते हैं बिल्कुल। तो ये क्या बुरी आदत नहीं औरतों को लगती है? पता नहीं इस बात पता नहीं अब ये खवातीन से पूछेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो जी नाज़रीन जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि जो लड़कियां भी मोबाइल यूज़ करती हैं इससे भी जो शोहर उनको गुस्सा आता है, हमारे से कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं औरतों की ऐसी कौन सी आदत होती है जिससे ना आदमियों का बड़ा गुस्सा आता है, इरीटेट होते हैं? सारी आदतें। कौन कौन सी? मोस्टली जो बार बार ये सारी के नुकसान सारी बताएं। मोस्टली ये जो बार बार पूछना कि किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों हैं, वजह रीज़न, दोस्त के साथ है, लड़का है, क्यों है, क्यों गए हैं, सारा कुछ बताएं A to Z। अच्छा इसके अलावा? ये मोस्ट इरिटेटिंग यही है। इसके अलावा? इसके अलावा बस यही काफ़ी है। यही काफ़ी है। ये बताएं मर्दों की कौन सी ऐसी आदत है जिससे औरतें काफ़ी इरिटेट होती हैं? कि बार बार उनसे पूछना कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ज़्यादा उनको लगता है कि ये हमें कैद कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, और वो हले मर्द ये इसलिए पूछता है, वो उनकी केयर करता है। औरतें भी इसलिए पूछती हैं, उनकी केयर करती हैं? केयर के हवाले से नहीं पूछती, वो दूसरे तरीके से पूछती हैं। उनका माइंड मोस्टली होता है कि वो शक की नज़र से देखती हैं और उसी नज़र से पूछती हैं। आदमी भी तो शक की नज़र से देख सकते? नहीं मैं तो नहीं देखता। और कौन सी ऐसी आदत है जिससे खवातीन को मर्दों पे बड़े गुस्सा आता है? अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर तो जो चलते फिरते भी हम किसी को देखेंगे तो वो तो गुस्सा ही करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि खवातीन को अगर रोका टोका जाए कि यहाँ ना जाओ, ये ना करो, तो वो पूरा मान जाती हैं। और अगर बात करें मर्दों की आदत कौन सी बुरी लगती है, तो इनका यही कहना था कि हम अगर लेट आते हैं तो हमसे पूछा जाता है कहाँ है, क्यों है, किसके साथ है, तो ये बात जो है हमें काफ़ी इरीटेट करती है। मुझे लोग की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन हमारे से एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? ठीक। घर में सब ठीक? बिल्कुल ठीक। ये बताएं खवातीन की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे जो आदमी ना घर में बड़ा इरिटेट होते हैं? टू मच क्लीनिंग, सफाई, बहुत ज्यादा सफाई करती हैं जो। हाँ आदमी क्या कहते हैं, या हर दफा सफाई करती रहती है, बस कर दो। हाँ वो तो यही कहते हैं ना, बहुत देर कर रही हैं, हमें हर वक्त सफाइयों में लगी रहती हैं। ऐसा क्यों है खवातीन सफाई में इतना क्यों लगी रहती है? आई थिंक उनकी नेचर में है ये चीज सफाई। अच्छा कुछ आदमी भी बड़ा सफाई की तरफ ध्यान रखते हैं, साइड टेबल चीज़ें साफ होनी चाहिए, इस पर इतनी से डस्ट भी नहीं होनी चाहिए। वो तो बहुत कम है मेरा ख्याल, आदमी तो बहुत गंदे हैं, वो तो उनको कोई केयर नहीं है सफाई से। ये बताइए कि आदमियों की ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे औरतें घर में बड़ा इरीटेट होती है? बार बार उनको तंग करते हैं, ये बना दो, वो बना दो, चाय बना दो, कभी मीठा बना दो। खाने औरत के दर पर खाना लिखा हुआ है। खाना पीना, खाना पीना और खाना पीना पीना और खाना। थैंक यू सो मच। यू वेरी वेलकम। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि खवातीन जो हर वक्त सफाई करती रहती है इससे आदमी जो है ना बड़ा इरीटेट होते हैं, और औरतें इसलिए इरीटेट होती हैं मर्दों से क्योंकि घर बैठे वो हर दफ़ा ये कहते रहते हैं ये पका दो, मीठा पका दो, चाय बना दो, खाना बना दो। हमारे से कोई फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है। ये बताएं आप अपनी मामा की कौन सी बात से बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हैं? हर वक्त काम कहने से। किस तरह के काम? कोई भी घर का काम। कोई भी घर का काम आपको कहती है? झाड़ू मार दो, डस्टिंग कर दो, बर्तन दो, पड़े हैं धो लो। नहीं मोस्टली डस्टिंग। तो इरिटेट होती हैं? ये बताएं आंटी आप अपनी बेटे के किस बात से, किस काम से सबसे ज़्यादा इरिटेट होती हैं? कैमरे के सामने ये ना काम बहुत सफाई से नहीं करती। काम तो कर देती है ना। नहीं सफाई से भी होना चाहिए ना, क्योंकि अभी इसकी एज ऐसी है सीखने की, आज ये जो 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 सीखेगी पूरी ज़िंदगी इसके काम आएगा, और वही
मतलब रूटीन जो आज बन जाएगी वो हमेशा रहेगी। ये तो होगी बेटी के बाद। ये बताएं हस्बैंड की कौन सी ऐसी आदत घर में जो आपको बड़े इरिटेट करती है? कोई खास नहीं है, बस उन्हें ये है कि वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, ज़्यादा गंदगी नहीं फिला पसंद और क्वाइट रहना पसंद है उन्हें। आपकी कोई ऐसी आदत जिससे आपके हस्बैंड बड़े इरिटेट होते हो? मेरी वही सफाई वाली। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़िन, इनका भी यही कहना था कि इनकी जो सफाई वाली बात है उससे ज़रा हस्बैंड काफ़ी इरिटेट होते हैं। और बेटी का ये कहना था मैं मदर से इसलिए इरिटेट होती हूँ सम टाइम क्योंकि वो मुझे सफाई का कहते हैं। और आंटी का ये कहना था कि मैं अपनी बेटी को जब सफाई का कहती हूँ तो ये सही तरह सफाई नहीं करती, नीट तरीके से नहीं करती, इसलिए मैं इरिटेट होती हूँ। मज़े लोग की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़िन, जैसे कि हमने औरतों से बात की, मर्दों से बात की, उन्होंने बहुत मज़ेदार सी बातें की, हमारे कोई शक में होते हैं उनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये बताएं घर में सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं औरतों की ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो घरों में मर्दों को बड़ा इरिटेट करती है? ये तो अगर आप औरत के सामने बोल सकते हैं तो बड़ी बात को आप बुला लें उनके सामने पूछ लें। लेकिन नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर औरत तो औरतों के सामने हम ये बता सके तो फिर तो बड़ी वो आपका शो देख लेंगे। आप बताएं कौन सी चीज़ें? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं साथ, तो क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ भी नहीं होती और आपके चॉइसेस की बात भी नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है, तो जो साथ साथ फिरना होता है और फॉर द होल डे कि आप सो रहे होते पीछे और वो आगे अपने काम में मसरूफ़ होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इरिटेटिंग है। अरे इसके अलावा घर में कौन सी चीज़ें काफ़ी इरिटेट करती हैं? घर में तो सच ऐसे लेट्स सपोज आप थके हुए आए हैं और आगे से अगर कोई ऐसी बात होती है तो लेट्स सपोज वो इरिटेटिंग होती है कि आप बाहर से थके हुए आते हैं, काम करके आते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर वर्किंग वूमन नहीं है, आपकी वाइफ है या कोई भी, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा फील होता है। अच्छा ये बताएं मर्दों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे औरतें बड़ा इरिटेट होती हैं? मर्दों की मेरा ख्याल है कि ये है कि आपके घर में इन्वॉल्वमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप लेट्स सपोज के कोई भी औरत के लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अगर बड़े शौक व शौक से काम कर रही हैं या घर को मेंटेन कर रही हैं, जो भी कोई घर की एक्टिविटी है, और अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत इरिटेटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़िन, इन्होंने भी बड़े मज़े के बात की। इनका ये कहना था कि औरतें जब हमें शॉपिंग पे लेके जाती हैं खुद वो मगन होती हैं, हम पीछे सोए होते हैं, तो ये बात भी ना हमें बड़ा इरिटेट करते हैं। लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़िन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि मर्दों की मोबाइल यूज़ करने की जो आदत होती है वो घर में काफ़ी इरिटेटिंग लगती है, और जो औरतों की जो बात इरिटेट करती है घर में वो बोलने, तो हमारे कोई शक में उधर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैमरे के सामने जी। वालेकुम सर, ये बताएं क्या नाम है आप? बाबर। बाबर सर, ये बताएं खवातीन की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो घर में बड़ा इरिटेट करती हैं? खवातीन की जो बहुत ख़राब आदतें होती हैं जो इरिटेट करती है मर्दों को, बार बार बाहर जाओ, सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, काम नहीं करने देते, सब्जी लाने के बाद धनिया ले आओ, ये ले आओ, मिर्ची ले आओ, अभी ये नहीं है, हालांकि एक दुकान में 10 दफ़ा चक्कर मारने पड़ते हैं, तो इसी वजह से ना ये बंदा इरिटेट हो जाता है। हालांकि शॉप वाला ही बोलता है भाई पहले ही ले जाते, अब ये होती है ना कि जैसे शॉप वाले भी इरिटेट होते हैं, जाहिर सी बात है एक ही शॉप पर बंदा जब 10 दफ़ा जा रहा है तो वही कहेंगे ना कि भाई एक दफ़ा ये सांप ले जाओ ना, तो अब ये नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, तो उस वजह से मामला खराब। इसके अलावा कौन सी चीज़ें जो होती है वो इरिटेट करती हैं? इसके अलावा शोर शराबा, औरतें घर में शोर डालती हैं, जाहिर सी बात है मोबाइल वगैरह आपको पता है आ गया, आजकल वीडियो चल रही है, बच्चे वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी बच्ची बहुत वीडियो यूज़ करती है यूट्यूबर से, इनका खुद का अपना चैनल है, तो ये अपनी खुद की वीडियो बना के खुद ही अपनी वीडियो देख रही होती है, ये आप क्या यार अपनी वीडियो पहले मेरे सामने बनाई है फिर देखी जा रही है। सही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये बताइए, तो हो गया खवातीन की, मर्दों की ऐसी कौन सी चीज़ें होती है तो काफ़ी इरिटेट करती हैं औरतों को? मर्दों की तो कोई ऐसी खास बात है, मर्दों तो वैसे बेचारे शरीफ होते हैं, बेचारे सुबह जाते हैं शाम में आते हैं के खाना वगैरह खा के सो जाते हैं, टीवी बात है, सुबह के गए शाम को आके मोबाइल पर लग जाते हैं, मोबाइल पर तो एक वो हो गई ना हैबिचुअल हो गया बंदा, जब जाहिर सी बात है वो मोबाइल पर थोड़ा सा बंदा अपने आप को फ्रेश कर लेता है, थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह देख के थोड़ा सा वो काम करके बंदा अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता है बस। यानी कि मर्दों की कोई चीज़ें इरिटेट नहीं करती, खवातीन की करती हैं? खवातीन की करती हैं, तो ऐसी बात है सारा दिन वो बोलती रहती हैं, और फिर वो अगर कोई दोस्त वगैरह आ जाए, फ्रेंड वगैरह आ जाए, तो उसके साथ फिर बोलना शुरू कर देती है।
तो जी ना, इनका भी ये कहना था कि खवातीन की बोलने की आदत जो होती है वो काफी मर्दों को इरिटेट करती है। एक और इनका गिला था कि खवातीन कभी खाना कर बनाने लगती है तो बार बार बाहर के लिए चक्कर लगवाती है, ये मर्दों के लिए बड़ा इरिटेटिंग होता है। और अगर बात की जाए इनकी अपनी खुद की तो कहते नहीं, मर्दों ने सुबह से शाम आने इन्होंने क्या इरिटेट करना। मजे लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी ना, जैसे कि हमने इनसे पहले कुछ लेडीज से बात की, उनका ये कहना था वो मर्द जो घर में लेट आते इस वजह से खवातीन का बड़ा गुस्सा आता है और जो खवातीन घर में मैनेजमेंट ठीक नहीं करती उस वजह से मर्दों को गुस्सा आता है। मजीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और मैं शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सामने को कैसे आप? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं मर्दों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे खवातीन को घर में बड़ा गुस्सा आता है? जिसे बड़ा गुस्सा आता है टाइम पे घर ना आना। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा शॉपिंग। मतलब अगर आप मर्द शॉपिंग का कहते हो तो गुस्सा आता है? नहीं, शॉपिंग तो कहते हैं, वो एक चीज़ की शॉपिंग कहते हैं तो आती पांच चीज़ें बाद में। अच्छा, हाँ, यानी कि अगर बाहर कोई चीज़ लेने भेजा है, एक मंगवा लेते हैं, बाद में दोबारा भेजता है, ये कर दें या वापस करवा दें, इस तरह? बिल्कुल ऐसे है। इससे इरिटेट होते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। दो चीज़ें होगी, तीसरी कौन सी चीज़ है? तीसरी कौन सी चीज़ है? बस मेरे ये दो चीज़ें हैं। और अच्छा, खवातीन की जो चीज़ें हैं उसमें किन चीज़ों से इरिटेट होते हैं आप? ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस सब कुछ होता है इनके पास, लेकिन इनको फिर और चाहिए होता है। अच्छा, खवातीन के पास हमारे में सारे कपड़े होते, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास अभी सूट नहीं है, फलां शादी आ रही है, फलां इवेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक ये हो गया, इसके अलावा? मेरे हम इतना बहुत है, बस ये कि खवातीन की चीज़ों आपको इरिटेट करती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कहते हैं खवातीन का जो बोलना होता है ज़्यादा वो भी बड़ा इरिटेट करता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है बोलना। कुछ मर्द भी काफ़ी बोलते हैं। अच्छा, तो आप बोलने वालों में से हैं, आप चुप रहने वालों में से? मैं चुप रहने वालों में से, मैं सुन के बेहतर हूँ। अच्छा, आप सुन के बेहतर? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं न्यू जनरेशन, पहले तो ये होता था ना कि आदमी लोग घर में लेट आ रहे तो बीवी को गुस्सा चढ़ता था, आप कहते हैं आदमी घर आके मोबाइल पे लगा रहता है जिसकी वजह से जो वाइफ होती है उनका बड़ा गुस्सा आता है? जी, मोबाइल ने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो या फीमेल हो या मेल हो। लेकिन जो ज़्यादा हम एप्लीकेशन आई हैं वो यही है मर्दों की आई है कि वो मोबाइल यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत है नहीं, मेरे ख्याल में तो आई थिंक जो फीमेल्स हैं वो ड्रामों में लग जाते हैं और जो मेल्स हैं वो न्यूज़ वगैरह में लग जाते हैं, पीएसएल में लग जाते हैं और सोशल मीडिया तो सबको ले गया है कहीं और किसी और ज़माने में। आई थिंक मोबाइल का जो यूजेज है वो तो दोनों तरफ चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से। थैंक यू सर। यू वेलकम। तो जी नाजी, इनका ये कहना था कि जो मोबाइल का यूज़ है इस वजह से तो खवातीन क्या मर्द क्या दोनों इरिटेट होते हैं, लेकिन यूज़ भी दोनों ही करते हैं। यहाँ पे वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। मेरे ख्याल में तो औरतों की जबान सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो बोल बोल के हम उनका दिमाग खा जाते हैं। मेरे सारे दोस्त हमारे हैं, मैं सिर्फ मैरिज ही बोलती, मैंने जल्दी में लव मैरिज कर लिया, इसलिए मोस्टली ये जो बार बार पूछना कि किधर है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ है, क्यों है, बस रीजन क्लीनिंग सफाई बहुत ज्यादा सफाई करती है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो औरतों के सामने हमें बता सके तो फिर तो बड़ी वो आपका शो देख लेंगे। आप बताएं कौन सी चीज़ें इतनी सस्ता ना लाने का, पैसे खाए के और ना को खाए, उन्होंने घर की लड़ाइयाँ हम दिखाएंगे। बंदे को एक बार भेजना है सारी चीज़ें, लिख के नहीं देनी, बंदे को वैसे बोलना है धनिया लेओ, पुदीना लेओ, दही लेओ, उनको कोई शहर लिख के खुआ दो, कोई है और तोहफा लेके जाओ, घूम फिर मान जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हम लोगों से पूछ रहे थे कि खवातीन की कौन सी ऐसी आदतें होती है जिससे मर्द जो है वो काफ़ी इरिटेट घर में होते हैं, और मर्दों की कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे खवातीन जो है घर में इरिटेट होती है। हमारे से एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? बुशरा अब्बास। कैसी हैं? अच्छी हूँ, ठीक हूँ। ये बताएं खवातीन की कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे मर्द जो है वो काफी इरिटेट होते हैं? मेरा तो मर्द मेरे नाल बहुत अच्छा रहा है। सामने देख कितना है ना? अच्छा, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सोहना। जिन्होंने नहीं मर्द जिन्ना तो लुकाउंदे ने पैसे सौदे लुकाउंदे ने हर चीज लुकाउंदे ने, उन्होंने घर च लड़ाइया होंदियां ने, जिहड़ियां ससां ना नानियां ने पैसे खाइए होर ना को खाए, उन्होंने घर च लड़ाइया होंदियां ने। जेड़ा सारा कुछ है कि सब ने रल के खाना, बैठ के खाना, जो होना सब ने सबका करना है। बताएं औरतों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे आदमी ना बड़े तंग आते हैं? आदमी यह तंग आते हैं, शॉपिंग ना करो, कपड़े ना बनाओ, सर्दियों के ना बनाओ, अगलिया सर्दियों वाले पा लो, गर्मियों के ना बनाओ, अगलिया गर्मियों वाले पा लो, होर उन्हें की कहना होंगे। अच्छे तरीके ना कार लेके साडा चलन मैनेज करन, तंग नहीं कर। अच्छा आंटी, ये बताएं मर्दों की कौन सी ऐसी आदत होती है जिससे जो खवातीन है बड़ा ही तंग होती हैं? मर्दों के मर्द बाहरों आन, औरतों को चाहिए उन्हें खाना, उन्हें पानी पियावे, उन्हें खिदमत करे, उन्हें कपड़े चेंज देवे, आ कर सारा कुछ कर,
तंग ही होना की होना फिर आजकल की न्यू जनरेशन की लड़कियों के लिए पैगाम न्यू जनरेशन कुछ नहीं बच्चिया जो समझाएगी माँ बाप के पिछे बच्चिया सब माँ बाप की किस्मत कर दया ने माँ बाप के नाल लगते अल्लाह वारस हों की इज्जत हजार माँ बाप जो करके घर बच्चिया उ कर दें अच्छी कर थैंक यू सो मच मासी कॉल और लेडी है काफी गुस्से में लग रही से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरी अस्सलाम वालेकुम ए वालेकुम सलाम जेडी मेरी बेटी है ना मेरे घर अक्सर दस्तरखान लग दें इस कदर काम भन दी मरोड़ दी किचन में वड़ के जिन्ना कुछ जिन्ना मावा गलत तरबियत की थी है सारा कुछ किया आंटी ये बताएं कि मर्दों की ऐसी कौन सी आदत होती है जिससे खवातीन बड़ी तंग आती है बाहर फिरन तुरन बेटे बाहर फिरते लेट आते हैं गुस्सा आता है तो कोई किसी बीबी के कोई चक्कर च हो या कुछ हो तो नहीं बर्दाश्त कर सकती बीबियां नहीं करते अच्छा जो बीबियां ऐसे जो मर्द ऐसे दो शादियां करती हैं दूसरे चक्रों में होते हैं तो वो उनसे जब कहा जाते जब पकड़े जाते वो कहते हैं इस्लाम में तो दो शादियां हैं हाँ, वो गलत कर अच्छा, ये बताएं खवातीन की कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे आदमी को बड़े गुस्सा आता है घर जाके ऐसे खवातीनों का अच्छे तरीके ना करना मैनेज करे खवातीन अलादी तरबियत ना अच्छी करे अच्छे तरीके नमाज रोजेदार दसे तो आखन दे जो इज्जत आदमी आखेगा कि मेरी अलादी तरबियत ना अच्छी हो कुछ हो थैंक यू सो मच तो जी नाज़रीन का ये कहना था वो खवातीन जो घर के काम सही नहीं करती मैनेज ठीक नहीं करती इस वजह से जो आदमियों के बड़ा गुस्सा आता है और आदमियों की ऐसी हरकतें जिस पर औरत का गुस्सा आता है तो उनका ये कहना था कि वो आदमी जो घर में लेट आते हैं उसके अलावा एक शादी के बाद कहीं बाहर उनके चक्कर चल रहे होते हैं इस पर खवातीन का बड़ा गुस्सा आता है दिल लोगों की तरफ चलते और जानते उनके कहना है इस बारे में तो जी नाज़रीन हमारे से एक और शख्स मौजूद है उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल चाल अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम अली अली ये बताओ मर्दों की कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे घर में जो खवातीन है बड़ा तंग आती है झूठी तारीफ करते हैं मर्द अक्सर कोई औरतों को थोड़ी पता चलता झूठी तारीफ कर रहे मैं यही बता रहा हूँ ना सबसे बड़ी बुरी आदत हमारी यही है कि हम झूठी तारीफ करते हैं अगर कोई बंदा आपकी तारीफ कर रहा हो तो ये ना हो कि खुश हो जाए उसको खुशी में खुशी आके हर बार जो है ना आपकी ऐसी कौन सी हरकत से जो खवातीन है वो इरिटेट होती है कितने गुस्सा आता है उनको गुस्सा आ जाता है घरों में पैसे नहीं देते हम उनको पोलर पे जाना होता है इन्होंने तैयार होना होता है मांग लेती है इतना बड़ा बिल निकाल लेती है पैसे अगर ना दे ना कर दे तो हम कहते हैं वही सुर्खी पाउडर लेके घर आके लगा लो नहीं जी पॉलर पे जाना है उधर जाना है उधर जाना है फिर नाराज हो जाती मुंह बना के बैठ जाती है ये चीज है इसके अलावा और कौन इसके अलावा दोबारा बोले क्वेश्चन क्या आपका ऐसी कौन सी आपकी आदतें हैं घर में जिससे आपकी मदर सिस्टर या वाइफ इरिटेट होती है इरिटेट तो नहीं होती शरीफ बंदे हैं हमसे कहां लड़कियों ने इरिटेट होना भाई आ गया उसको उसका भी खर्चा हमारे पे है जो साला साहब है उसका भी खर्चा हमारे पे है वो उससे इरिटेट हो जाती है उसको भी हमने कंफर्टेबल करना है उसका भी ठेका हमने उठाना है ना करें तो फिर भी हम मारे गए मजलूम आदमी है किधर जाए भाई जान अच्छा अब ये बताएं खवातीन की कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे आप इंतहाई इरिटेट होते हैं वही मेन दोबारा पार्लर पे जाना है मैंने इसके अलावा पार्लर तो कंपल्सरी है हाँ उसके अलावा क्या आदत हो सकती है क्या आदत हो सकती है ज्यादा बोलना बार बार सौदे के लिए बाहर भेजना या बंदे को एक बार भेजना है सारी चीजें लिख के नहीं देनी बंदे को वैसे बोलना है धनिया ले आओ पुदीना ले आओ दही ले आओ बाद में फिर कहना हामिद आ गया घर अभी कदम रखा नहीं है उसने दहलीज के अंदर वो भाई पुदीना रह गया मेरा सर्फ एक्सल का पैकेट रह गया ये बंदे की बंदा लिख के दे दे बंदा व्हाट्सअप इतनी जदीद दौर हो गया तो मैसेज कर देता है बंदा ये चीजें उसको वो बंदा वो टेक्नोलॉजी थोड़ी है कुछ ऐड GPT खोला हुआ है आपने पंच किया तो सारी चीजें आ जाएंगी इस तरह नहीं होता उसको वो भी मर्द है उसको प्यार से देखे और प्यार से रखे और नफरत से देखते हैं आपको घर वाले लाए प्यार वाली चीज है मर्द ऐसे है कि नहीं आप बताए ना ये चीज है ठीक है थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मिस तो जी नाज़रीन इनका ये कहना था मर्दों को जो बाहर बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए भेजा जाता है ये इरिटेटिंग है एक ही दफा हमें बताते हैं कि कुछ बोल के तब व्हाट्सअप कर दे जदीद टेक्नोलॉजी का टाइम है मजीद लोग की तरफ चलते और जानते हैं उनकी कह रहा है इस बारे में तो जी नाज़रीन मैं एक और शख्स से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप जी ठीक ठाक
घर में सब ठीक है जी अल्लाह का करम। ये बताए घर में खवातीन की कौन सी ऐसी आदतें होती है जिससे बंदे को ना बड़ी कचीचियाँ चढ़ती है, कहते हैं ये क्या है? जब बंदे की बात नहीं मानेगी तो कचीचियाँ चढ़ेंगी। कौन सी बात? ये बंदा एक जगह से मना करे ना इधर नहीं जाना आपने, उधर जाएगी तो फिर बंदा होता। छोटे बच्चे को कहते इधर नहीं जाना? नहीं, औरत को खास तौर औरत को कहना चाहिए कि ना इस तरफ नहीं जाना आपने। इसके अलावा कौन सी ऐसी आदत है जो औरतों की ना मर्दों को बड़ी कचीचियाँ चढ़ती है? औरत जब मर्द की बात नहीं मानेगी तो और मर्द को कचीचियाँ। कौन सी बात के अलावा भी और भी चीजें होती है? बहुत सारी खुशी रात होती है औरतों को, ये मेकअप ये वगैरह हमारे गांव में। ये आपको नहीं अच्छा लगता? नहीं। तो जब औरतें मेकअप करती हैं आपको गुस्सा आता है? जी जी। चीचियां चढ़ती हैं आपको, कहते ये क्या है? वो हमारे दीन में ही नहीं है तो हम क्यों करें, हराम चीज है। ये बताइए मर्दों की ऐसी आदतें कौन सी होती है जिससे घर में खवातीन जो है उनको बड़ा गुस्सा आता है? मर्दों की ये नहीं जानते अपने, नहीं पता बेगम की सारी पता है कि बेगम जब कुछ मैं मना करता हूँ वो करती है तो मुझे गुस्सा आता है, अपना मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं, इस बात को मुझे नहीं पता। ज़ेन पे कुछ जोर डाले, किस बात पे बीवी को गुस्सा आता है घर में? बीवी को भी गुस्सा आना चाहिए, जब मर्द को मर्द बात नहीं मानेगा औरत की औरत भी गुस्सा कर सकती है। इनकी कश्ती वहीं पे जाके रुकती है, जब औरत की बात ना माने तो तब मर्द को गुस्सा आता है, मर्द की बात ना माने तब औरत को गुस्सा आता है, बस यही दो चीजें हैं जो बीच में तंग करती हैं। मजे लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनके क्या राय इस बारे में। तो जी नाजी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि खवातीन की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो घर में काफ़ी मर्दों को इरीटेट करती है, और मर्दों की कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो खवातीन को घर में इतनी इरीटेट करती हैं। तो हमारे कोई शक मिलते से बात करते हैं। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला। घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ खुश है? हाँ जी। आप उनके साथ खुश है? हाँ जी। ये बताएं घर में आपकी कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे आपके घर वाले बड़े तंग है? इसमें डिपेंड करता है ना कि कौन तंग है, वालिदैन तंग है, वाइफ तंग है या सिस्टर तंग है। वाइफ आपकी कौन सी आदत से बड़ी तंग है, ईमानदारी से बताएं। वो इस आदत से तंग है कि मैं जब घर जाता हूँ तो मोबाइल यूज करता हूँ, कहते हैं मोबाइल ना यूज करें मेरे से बातें करें। ये तो जायज मुतालबा। हाँ, तो मैं मोबाइल यूज करता रहूं बस ये। और कौन सी आदत से जो आपकी वाइफ बड़ी तंग है, कोई ऐसी आदत जैसे खाने खा के बर्तन वहीं पे रखने की? वो तो औरतों का फर्ज है ना कि खाने के बाद बर्तन को पकड़ाने और अलमारी से समटाइम जो होते कपड़े निकालते हैं तो सारे खराब कर देते हैं एक शर्ट निकालने के लिए, तो उसमें औरत की गलती है ना, औरत को खुद निकाल के देने चाहिए ना। अच्छा, सारा कसूर ही औरतों का है, आपका कोई कसूर नहीं है? नहीं, कसूर इसमें कौन सी बात है, मर्दों का ये काम होता है कि मर्द बाहर आते हैं इज्जत कमाते हैं, औरतों को जाके देते हैं, जाके पैसे वगैरह देते हैं, जो भी करते हैं मर्दों का बाहर का काम है, घर के सारे काम करना औरतों के काम है। किस चीज में कपड़े उन्होंने तय करके आपके रखे हैं? आपका काम ये है कि सारे खराब करके एक शर्ट निकालनी, फिर बीवी दोबारा कपड़े तय करके रखे? नहीं, ऐसी कोई मुतालबा नहीं। ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, ऐसा मेरी बीवी का मेरे साथ कोई मुतालबा नहीं, वो जो दे पहन ले चुप कर। अच्छा, वही देते हैं। अच्छा, वो खवातीन जिनके हस्बैंड जो है एक शर्ट निकाल के बाकी सारे कपड़े खराब कर देते हैं, उनको चाहिए खवातीन जो है वो खुद पकड़ के ना जो शर्ट है निकाल दे, अच्छा कि उनके हस्बैंड जाके अगर निकालते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं घर में जिससे बड़े इरीटेट आप होते हैं? कभी नोट नहीं किया, अभी हम इरीटेट नहीं होते। कहते हैं औरतों की जबान से जो है लोग बड़े इरीटेट होते हैं। वो तो लड़ाई में आ जाते हैं ना, इरिटेट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुतालबा नहीं। इनकी चीज़ें इरिटेट नहीं करती? मर्दों की चीज़ें होती हैं जो इरिटेट करती हैं। बात का तो होता भी औरतों की कुछ चीज़ें ऐसी है, वो तो बाहर के मामला में आ जाता है, वैसे कोई मामला में आप तो मजाक वाले शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनका यही कहना था खवातीन इरिटेट करती हैं, मर्द इरिटेट नहीं करते। हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक है? सब ठीक शुक्र। आप ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं खवातीन की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो घर में मर्द को बड़े तंग करती हैं? शॉपिंग की। अच्छा, तो शॉपिंग की बात घर में की जाती है तो मर्द इरिटेट होते हैं? हां, मर्द बहुत उसमें गुस्से में आता है क्योंकि एक इजाफी खर्चा है। शॉपिंग की जरूरत है? जरूरत कहां है शॉपिंग के, ऐसे बस चीजें वो जरूरत से ज्यादा होते, जरूरत के अलावा होते। इनका ये कहना शॉपिंग जो होती है उस बात से हम इरिटेट होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। हाँ, एक्स्ट्रा चीज, जरूरत नहीं है। नहीं, जो जरूरत की चीजें होती है चलो वो तो चल जाती है ना, जो इजाफी खर्चे है वो जो है वो फिर बंदे को तंग करते हैं। इसके अलावा कौन सी जो खवातीन की घर में चीजें हैं जो बंदे को तंग कर? ना, इसके अलावा तो जब बार बार पूछते कहाँ गए थे रात को, लेट आए कहाँ गए थे, ये तो राइट उनका पूछना ना कि बंदे पे नजर रखे किधर गए थे। नहीं, राइट तो है लेकिन एतमाद भी तो कोई चीज है, रात को लेट आए तो खामखा कोई और काम होगा,
ज़रूरत की चीज़ें होंगी। अच्छा ये हो गया दो, कोई तीसरा? और तीसरा फिर ये है कि कभी कभार जो खाना सही नहीं बनता है उस पर फिर खाम खा वो छिड़ते। आप खाना सही नहीं बनाते हैं, वो खाना सही नहीं बनाते? नहीं मैं खा मुख्तल बनाते नहीं है, गर्म तो औरतें बनाती हैं। तो वो जब सही नहीं बनाती तो खुद ही इरिटेट होती है, डेट हो जाती है कि नहीं बस सही है जो भी मिला बस खा ले यही सही। पर शुक्र करके आप नहीं खाते क्या? चलो मिल ही गया ना, वो भी तो आदमी है जिनकी बीवियाँ खाना नहीं बनाती बाहर से आ रहे होते, मुझे तो चलो फिर मिल रहा है। चलो उनका तो उनका बस है कि उसको तौफीक अल्लाह ने दिए, लेकिन जो दाल ही पके सही है। और इसके अलावा? और इसके अलावा क्या कहे? तीन मेजर चीज़ें थी जो आपको खवातीन की इरिटेट करती हैं, एक आप लेट आए आपसे पूछते हैं, दूसरा शॉपिंग जो है अगर उसको कहती हैं तो ये भी आपको बड़ा परेशान करती हैं, और तीसरा अगर खाना अगर उन्होंने पकाया नहीं ठीक बना तो उस पर भी आप जरा होते हैं। ये बताएं, ये तो बता दिया आपने खवातीन की कौन सी चीज़ें तंग करती हैं, मर्दों की कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे खवातीन बड़ा चिढ़ती हैं? मर्दों का तो अक्सर वो इस बात पर बहुत होते हैं कि लेट आए आप ठीक, और वक्त पर ना आए मतलब, और जो वो चीज़ मांगे आप ना दे सके ये इस चीज़ पे वो बहुत वो होती है। वही बात हो कि शॉपिंग ना करें तो जाहिर बात है उन्होंने तंगी होना है। हाँ जी हाँ। इसके अलावा और कौन सी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिससे घर में आपकी वाइफ कहती है यार क्या है ये? सबसे ज़्यादा तो मैंने कहा कि जब आप लेट आते हो वक्त पर नहीं आते हो। तो वक्त पर क्यों नहीं आते? कभी कभार बंदे का काम होता है, बाजार घूमना होता है, दोस्तों के साथ होते हैं, इस वजह से लेट तो जाहिर बात है लेट इसी वजह से आते हैं, या दोस्तों के साथ बैठे इसलिए लेट तो नहीं आते, घर जाऊंगा फारिक बैठेंगे ना कहते चलो कल यार शॉपिंग करने जाते। हाँ ये भी कभी कभार इस बात पे भी लेट आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो जी नाजी हमारे एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूं। घर पे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं मर्दों की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिससे घर में खवातीन बड़ी तंग आती हैं? मर्दों की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिससे खवातीन तंग आती हैं? वो कहती हैं आदत छोड़ दो, जैसे कि लेट तक आना, बाहर से मोबाइल यूज़ करना। आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे आपकी जो बीवी वो तंग आ जाती है? हम बीवी बच्चे तो घर में हैं सारे उधर गांव में, हम तो इधर रहते हैं जाते हैं एक माँ बाप या दो माँ बाप। तो माँ बाप एक माँ बाप जाते हैं वहाँ पे, कौन सी ऐसे काम से बीवी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ये क्या कर रहे हो? वो दोस्तों से लेट हो जाते हैं फिर घर देर से आते हैं इसलिए गुस्सा करते हैं। गुस्सा करती है फिर ठंडा कैसे करते हैं कि चलो कोई बात उन्हों कोई शायद मिट्टी को खुवा दो कोई है और तोहफा लेके जाओ को फ्रूट फेरो मान जाती है। ये बताएं आपको खवातीन की ऐसी कौन सी आदत है जो बड़ी बुरी लगती है घर में? बुरी लगती है घर में ऐसी जब खाना लेट पकाती है तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है बहुत। इसके अलावा तो और नहीं है, इन्होंने एक ही बताई है कि खवातीन जब घर में खाना लेट बनाती हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, और जब घर में ये लेट जाते हैं तो उनका बहुत गुस्सा आता है इनकी वाइफ को। मुझे लोग तो चलते हैं और जानते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? तो जी नाजी जैसा कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, एक ये भी कहना था खवातीन जब खाना है वो लेट बना कर आती हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। हमारे क्वेश्चन से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है, घर में सब ठीक? शुक्र है मालिक का। ये बताएं घर में आपकी कौन सी ऐसी आदतें होती है जिससे जो आपकी वाइफ आई या मदर आई सिस्टर उनको बड़े गुस्सा आता है? मुझे तो सबसे पहले ये बात है कि गुस्सा आता नहीं, जब गुस्सा आता बेइंतहा आता है। किन वजह से आता है, कौन सी ऐसी चीजें जो औरतों की आपको बड़ी इरिटेट करती है? बस आपस में बैठे होते हैं घर में, ये होता है कि गिला ज्यादा करते हैं, यानी कि चुगलियां वगैरह आपस में बैठी औरतें लगा आपस में। हाँ आप क्या सोचते थे वो एक साइड पे लगी होती आपस में फलां की बात? ये तो हम सोचते नहीं है, हम वैसे करते हैं कि चलो ये आपस में लगे हुए हैं ठीक है, हम नीचे चले जाते हैं। हाँ। निकल जाते हैं इससे गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और सेल्स बेटा भी कर लेते हैं। ये पहले मैं बंदे सुन रही हूँ जो खवातीन को आपस में बैठे गपशप करते देखे ना गुस्सा आता है और घर से बाहर चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। आपकी ऐसी कौन सी आदतें होती है जिससे आपकी जो वालदा या सिस्टर या वाइफ बड़े इरिटेट होते? मेरी आदत है कि मसलन कि मैं सीधी बात है कि घर में किसी को तंग होने नहीं देता, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ और 11 बजे मसलन कि ना रात को घर जाता हूँ। लेट जाने पे नहीं होता कि हर दफा लेट? नहीं लेट तो नहीं है, लेकिन मसला है कि बच्चे मेरा इंतजार करते हैं, जब छुट्टी होती है उसको बिराने खुरा में मसल के फिरने टूरने चले जाते हैं। यानी कि इनकी तरफ से ये बिल्कुल ठीक है, इनसे कोई तंग नहीं है, अलबत्ता ये खवातीन से तंग है? नहीं खवातीन से तो वैसे तंग नहीं हूँ, जब
आपस में बहस लगी होती है, मैं पहले बताया कि मैं नीचे चला जाता हूँ। थैंक यू सो वेलकम। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब इंजॉय किया होगा। औरतों का ये कहना था कि मटके बार बार खाने की फरमाइश, चाय मांगना, मीठा मांगना, और इसके अलावा उनका ये कहना कि ये ना करो वो ना करो, तो ये चीज़ें जो होती है मैं बड़ा इरिटेट करती थी। जबकि मर्दों का ये कहना था औरतों को ज़्यादा बोलना, इसके अलावा उनका ये कहना कि बाहर क्यों जा रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ है, क्यों हो, ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हूँ। उसके साथ शॉपिंग के बाद भी जो है मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हूँ। इसी के साथ अपनी हौसले हरमीन को दे इजाज़त, फिर आते रहूँगी किसी नई मौसम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की मान।